पांच दिन पहले। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, करीब करीब आ जाएं थोड़ा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आ जाएं आ जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्रिकेट खेल रहे हैं? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, क्रिकेट खेलने से जिस्मानी कुव्वत में इजाफा होता है, और जब हमारी जिस्मानी कुव्वत में इजाफा होता है तो हमारा इबादत में और दिल लगता है। देखिए, दुनिया का खेल तो चलता रहेगा, लेकिन अगर साथ दीन की खिदमत भी हो जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। क्या ख्याल है मेरे भाइयों? जी जी जी। देखिए, मेरी और आपकी बल्कि पूरे आलम की कामयाबी अल्लाह पाक ने अपने पूरे पूरे दीन में रखी है। इसी दीन के सिलसिले में हमारी मस्जिद में जमात आई हुई है, तो आप लोग चलें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। भाई एक मिनट। जी, एक मसला है। जी, क्या मसला हो गया? असल में ये जगह ना हमने क्रिकेट खेलने के लिए रेंट पे ली हुई है। अगर हम मस्जिद चले जाएंगे ना तो रेंट जाया हो जाएगा हमारा। ओहो, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। हम एक काम करेंगे ना, कल चलेंगे आपके साथ। जी जी, चले फान भाई। बिस्मिल्लाह, खेलिए खेलिए आप लोग। आ जाओ, बात बोल कर आ जाओ। ओए, दूसरा दिन। देख रहे हैं फात भाई, इन्होंने आज का वादा किया था कि आज हमारे साथ मस्जिद चलेंगे, लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। हमें भी कुछ इसी तरीके का काम करना पड़ेगा। चलें, बिस्मिल्लाह, आइए आइए। لمنت قرب مننا حاجة غريبة بتحصل أشعر بالحب والهنا امتى اللقاء امتى ما تقول تيسرا دن भाई जल्दी कर शाकी, जल्दी कर, बॉल कराना यार, टाइम नहीं है। अस्सलाम भाइयों, हमें भी खिला लो यार, हम भी आपके मोहल्ले के ही हैं। अबे भाई, बंदे पूरे हैं यार। अबे यार, कुछ कर लो, हम दो बंदे, मुझे आप अपनी टीम में ले लो और इसको दूसरी टीम में डाल दो। नहीं यार, बंदे पूरे हैं यार। ओए बॉल करा। अबे ले 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 ले। चल एक काम कर, ओए इसको अपनी टीम में ले, दूसरे को मैं अपनी टीम में ले लेता हूँ। आ जाओ फील्डिंग पे, आ जाओ। मिशन सक्सेसफुल। از همه شهر دل شیدا، دل شیدا شکست.
14 दिन। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ फाद यार उस तरफ हो जाओ। भाईजान आप स्ट्रेट पे चले जाओ। सेट है शाबाश मत बॉल करा। ओह नाइस शॉट नाइस शॉट। यार भाईजान हाँ आप इस जगह का रेंट वेंट देते हो क्या? क्यों भाई रेंट क्यों देंगे? अपने बाप की जगह है, अपना मोहल्ला रेंट क्यों देंगे? क्यों कोई मांग रहा है रेंट? नहीं नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। असल में ये जगह ना हमने क्रिकेट खेलने के लिए रेंट पे ली है। अगर हम मस्जिद चले जाएंगे ना तो रेंट जाया हो जाएगा हमारा। चल यार रेडी कर यार। चलो चलो शाबाश शाबाश। शाबा शाबा दो बॉल का मेहमान है बेहतरीन। यार भाइयों अजान हो रही है, अजान के वक्त खेलना अच्छी बात नहीं है, तो कल यहीं से कंटिन्यू करें हम लोग। क्या करना है? चलो यार चलते हैं। चल ठीक है कल से खेलते हैं। चलो भाइयों कल खेलेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फहद आ जाओ यार नमाज पढ़ने चलते हैं। चल अम्माद आ जा। चले फहद पांचवा दिन। ओए अजान हो गई कल से खेलेंगे सही है? यार हम लोग क्रिकेट साथ खेलते तो नमाज भी साथ ही पढ़ लेते। वैसे भी मैच खत्म हो गया और मेरे ख्याल से आप लोग भी फारिगी है। क्या करें चल लेते। चलो यार मुझे सभा को इजी लोड लगवाना है। अबे चलना टोपी इंसान इजी लोड कराना है। कल तो हम जीतेंगे पक्का। जो बात है भाई अहमद भाई ने 6 पे 36 मारने का वादा कर लिया। आप बॉल तो लाइन का बॉल तो लाइन में होती नहीं है, बैट पकड़ना आता नहीं है। अब सच भी जान नहीं है हाथ में इसके। इसको प्लास्टिक वाले बल्ले से खिलाओ। बट्टा बॉल का हाथ का यार मुश्कात। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? यार ये दीन वगैरह की बातें करते हैं, नमाज के बाद में ऐसे बैठते हैं लोग। अच्छा देखो यार हम लोगों ने नमाज भी पढ़ ली तो क्या ख्याल है यहाँ बैठ जाए हम लोग इनके साथ? क्या करना है भाई इतना क्या सोच रहे हो? चलते यार बैठते कोई मसला थोड़ी है। अल्लाह ताला ने मेरी आपकी बल्कि कयामत तक रहने वाले तमाम इंसानों की कामयाबी पूरे पूरे दीन में रखी है, और ये दीन आएगा इसी तबलीग की मेहनत से, और इसी मेहनत को लेके हमें एक एक इंसान तक। ये बात फात का है। ये नबियों की मेहनत है और इस मेहनत को यार पता नहीं यहीं कहीं होंगे तक जाना है। एक एक घर में एक एक खत्ते में एक एक इलाके में हमें ये लेके जाना है। ये दीन आएगा। लेकिन क्रिकेट खेलने से जिस्मानी वर्जिश होती है भाइयों, हमें भी खिला दो यार, हम भी आपके मोहल्ले के। और जब हमारा जिस्म चुस्त होता है तो इबादत करने में और भी मजा आता है। इसी दिन के सिलसिले में मस्जिद में जमात आई भी है तो आप लोग चले इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। तुम लोग? जी हम लोग। देखिए आप लोग सीधी तरह तो मान नहीं रहे थे तो मजबूरन हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ा। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। आप लोग माशाल्लाह दीन की बातें भी सुन रहे हैं तो अभी इज्तिमा भी होने वाला है तो वहाँ भी हमारे साथ चलिएगा। चले चले बिस्मिल्लाह। चले फाद भाई। और इस तरह तमाम के तमाम साथी वसूल हो गए।